भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय के द्वारा निगम अधिकारी की पिटाई के मामले में वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली ही ऐसी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुटों से गिरोह में बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। आकाश विजयवर्गीय ने अपनी ही पार्टी की इंदौर से भाजपा महापौर मालिनी गौड़ से राजनीतिक द्वेषवश कुंडों के साथ मिलकर निगम कर्मियों की पिटाई की, जो बेहद निंदनीय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नया परिचय नहीं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अंदर कुछ और होता है, मुंह से कुछ और बोलते हैं, ये उनके स्वभाव में शामिल है। ऐसे ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी हर बात के ऊपर कोई ना कोई बयान देते रहते हैं और ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में कमी आ रही है, और दूसरी तरफ उनके ही बहुत वरिष्ठ नेता के पुत्र जो विधानसभा के विधायक भी हैं, खुलेआम जब क्रिकेट का बल्ला लेके और अधिकारियों की पिटाई करने पर आते हैं, और वो भी ऐसे विभाग के अधिकारी जहां उनकी ही पार्टी की महापौर हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहा है। क्योंकि मालिनी गौड़ जी चूंकि वहां की अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, हो सकता उन्होंने मकान तोड़ने के लिए, पुराने मकान तोड़ने के लिए भेजा हो, और ये स्वाभाविक है, कोई भी होगा तो वो कई बार अपने प्रशासकीय काम करेगा। उसको वो नागवार गुजरा हमारे जोशीले विधायक जी को, और वो कानूनी तौर से कार्रवाई करने के बजाय सीधा बल्ला लेके पहुंच गए, और जो वीडियो दिख रहा है उसमें भी आ रहा है कि हमारी तो कार्यशैली ही के निवेदन, ऐसे कुछ बोला ना उन्होंने, आवेदन निवेदन और उसके बाद दे दनादन। तो वो जो दे दनादन करने का उन्होंने काम किया है, वो जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में ले और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सार्वजनिक रूप से इस तरीके से बेइज्जती करने का काम करे, क्योंकि जनप्रतिनिधि को उनके आचरण को देखने वाले लाखों फॉलोअर्स होते हैं और उनके ऊपर भी बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है, और उससे ज़्यादा निंदनीय तो कैलाश विजयवर्गीय जी का भी बयान है। तो कानून अपना अपने तरीके से काम करेगा, जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कानून ने अपना काम किया, और जिसने जो करेगा वो वैसा फल भोगेगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।